अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक स्टार्ट करेंगे आईटी सीरीज़। आज जो सबसे पहले हम लोग चैप्टर कवर करेंगे वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, बुक हमारे पास है फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक नेम हमारे पास चैप्टर नेम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है ये सारा करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास टर्म आर्किटेक्चर क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है। ठीक है, व्हाट इज एन कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस, कंप्यूटर इज अ डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा प्रोसेस द डाटा प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डाटा देन प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट द डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एट द लास्ट स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की टर्म है कि कंप्यूटर एक्चुअली हमारे पास होता क्या है। तो ये सारी टर्म्स कंप्यूटर में आ जाती है। अब इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि कंप्यूटर करता क्या है भाई। जी, कंप्यूटर का क्या काम है, कंप्यूटर सबसे पहले हमारे पास क्या करता है, कंप्यूटर के पास क्या होता है, डाटा। वो उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन। और एट द एंड उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, स्टोर। ठीक है, हमने कह दिया कि कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, एट द एंड उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करवा देता है। अब डाटा ले रहा है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को डाटा दिया जा रहा है, किसकी मदद से दिया जा रहा है, कंप्यूटर में हम बात कर रहे हैं कि इसको डाटा मिल रहा है, किसकी मदद से मिल रहा है, इनपुट डिवाइसेस की मदद से। इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम लोग कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, डाटा एंटर कर रहे हैं। अब इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे सबसे पहले माउस, आपका कीबोर्ड, आपके स्कैनर, आपका जो माइक है, जॉयस्टिक। ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, इनकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा इंसर्ट करवाते हैं, डाटा ऐड करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग किसने की, सीपीयू ने। सीपीयू के फर्दर टू पार्ट्स है। अब कौन कौन सा पार्ट है सीपीयू में, एक है हमारे पास सीयू कंट्रोल यूनिट और एक हमारे पास है एएलयू। एएलयू की फर्दर टू कैटेगरीज है जिसमें हमारे पास है एक एयू और एक हमारे पास है एलयू। ये हमारे पास सीपीयू का आ गया। अब सीयू क्या करता है, सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो हमारा सीपीयू ही परफॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सीपीयू के पार्ट्स, देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द सीपीयू, द वन इज एन अ कंट्रोल यूनिट, द सेकंड वन इज एन अ एएलयू। अब सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के अंदर एज एन सुपरवाइजर एक्ट करता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होनी होती हैं उन सबको सुपरवाइज करता है।
अब ALU में कंप्यूटर की एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, डाटा पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, कि जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करवाने हैं वो हम लोग ALU में परफॉर्म करवाते हैं। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। AU में इसको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, AU एंड LU। AU क्या करती है, AU के अंदर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस डिवाइडर मल्टीप्लाई। LU में क्या किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स, इज नॉट इक्वल एंड लेस दैन। ये हमारे पास हो गया कि प्रोसेसिंग में क्या होता है। अब उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कहाँ पे शो करवाई जाती है, इंफॉर्मेशन शो करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में हमें इंफॉर्मेशन शो करवाई जाती है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, एक है हमारे पास मॉनिटर, जहाँ पे हमें सारा रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जो कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट देता है वो हमें किस पे मिलता है, मॉनिटर पे। उसके बाद सेकंड टर्म है हमारे पास प्रिंटर, प्रिंटर भी हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस। और थर्ड में हमारे पास हमारे स्पीकर्स, स्पीकर से बाय कंप्यूटर से की आवाज़ आती है, तो वो स्पीकर्स हमारे आउटपुट डिवाइसेस है, के आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद एट द एंड क्या किया जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाया जाता है। अब स्टोर कहाँ पे करवाया जाता है, किसकी मदद से करवाया जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से। तो अब स्टोरेज डिवाइसेस मेरे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क, आप हार्ड डिस्क के अंदर अपना डाटा स्टोर करवाते हैं, आपके CDs, आपकी DVDs, ठीक है। तो इनमें आप लोग क्या करते हैं, अपना डाटा स्टोर करवाते हो। क्यों स्टोर करवाते हो, कि इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग दोबारा से डाटा पे प्रोसेसिंग करने की बजाय जो आपने डाटा स्टोर्ड करवाया हुआ है वहाँ से अपने डाटा को फेच कर लें, वहाँ से अपने डाटा को असेस कर लें। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर का, कि टर्म कंप्यूटर हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले वो डाटा को एक्सेप्ट करती है, डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद डाटा पे प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती है, और एट द एंड उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करवाती है। वो फ्लो चार्ट भी आपके सामने है जिसमें डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है, किसकी मदद से, इनपुट डिवाइसेस की मदद से। फिर उन क्या जो डाटा होता है उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग कौन करता है, हमारा CPU करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो डाटा होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में। अब इन्फॉर्मेशन में फिर हमें क्या मिलती है, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो क्या होती हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। एट द एंड इस इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा दिया जाता है, जिसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से उसको स्टोर करवाया जाता है। आपकी हार्ड डिस्क हैं, आपके CDs हैं, आपके DVDs हैं, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन आता है, हम बात कर रहे हैं डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज एन अ डाटा एंड व्हाट इज एन अ इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है, जब उस पर डाटा पे प्रोसेसिंग हो गई तो वो क्या, इन्फॉर्मेशन बन गया। अब इसको देखते हैं, डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मीनिंगलेस फॉर्म होती है, ठीक है। हमारे पास जो हकायक और अदादोशुमार होते हैं, जो मीनिंगलेस होते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता प्रॉपर, वो हमारे क्या होते हैं, डाटा। जब कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। कंप्यूटर में जब ऑपरेशंस परफॉर्म हुए उस डाटा के ऊपर, वो क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीनिंगफुल फॉर्म, ठीक है। ऐसी फॉर्म जिसका मीनिंग है, ठीक है, जब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हुई, ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद मुझे मीनिंगफुल फॉर्म मिल गई, मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, तो वो मेरी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पहले आपको पता होना चाहिए टर्म कंप्यूटर क्या है, फिर हम लोग उसके आर्किटेक्चर की तरफ आएंगे कि आर्किटेक्चर क्या है। तो ये हमारा ये था, नेक्स्ट हम लोग फर्दर देखते हैं।
जी, उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है। आर्किटेक्चर हमारे पास एक मॉडल है, एक वे है जिसकी मदद से हम लोग चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं। अब आपको पता है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में हमने पीछे देखा कंप्यूटर के अंदर क्या है भाई, काफ़ी सारी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। उसके मेन मेमोरी है, उसके इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं? ताकि ये अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, ठीक है, अपना जो प्रॉपर फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म कर सके। तो आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है? वे है, ठीक है, अ वे इन विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक्ड। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक वे है, एक रास्ता है जिसकी मदद से कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं? ताकि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक पार्ट से होती हुई दूसरी पार्ट तक जा सके। तो इनका आपस में इंटरलिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके। ये तो आर्किटेक्चर की बात हुई कि आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, एक वे है जिसकी मदद से जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर इज कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स, ठीक है, कंप्यूटर में हमारे पास सिर्फ एक पार्ट नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, आपका सीपीयू है, ठीक है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आपकी मेन मेमोरी है। तो ये सारे पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्यों इंटरलिंक्ड होते हैं? ताकि ये सारे पार्ट्स अपनी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें, ये इकट्ठे काम कर सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। अब कंप्यूटर हमारे पास क्या है? कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। दीज कंपोनेंट्स नीड्स टू वर्क टूगेदर एंड कम्युनिकेट and for communication. कि इन कंपोनेंट्स को काम करने के, इकट्ठे काम करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है। आर्किटेक्चर क्या करता है, ठीक है, कंबाइन दीज कंपोनेंट टू परफॉर्म their functionality. कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक वे प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करते हैं, वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के कंपोनेंट के साथ। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन सब कंपोनेंट्स को कंबाइन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ वे इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेयर देयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। इसके लिए हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उसकी डायग्राम ड्रा करते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक्चुअली हमारे पास होता क्या है।
ठीक है, 1, 2 and 3. पहले में हमारे पास होगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी, मेमोरी लाइक योर रैम रोम। उसके बाद आपके पास होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, CPU। क्लियर है? उसके बाद आपके पास क्या होंगी, इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। अब इन कंपोनेंट्स को ज़रूरत है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो आपके जो मेमोरी है ये आपकी क्या होगी, सेकेंडरी स्टोरेज होगी। ठीक है, जहाँ पे आप लोग अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। अब ये CPU क्या है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास क्या आ जाता है, आपका माउस आ जाता है, आपका कीबोर्ड आ जाता है, आपके प्रिंटर्स आ जाते हैं, स्कैनर आ जाता है, स्पीकर्स आ जाते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में ये सारी टर्म्स आपके पास आ जाती है। अब ये सारे कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना है, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाटा बस। डाटा बस के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एड्रेस बस के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वो कंट्रोल बस के थ्रू। ठीक है, या फिर कंट्रोल बस के थ्रू। तो इसमें आप कंप्यूटर का ये क्या है, ये सारा कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये पूरा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड है। क्यों इंटरकनेक्टेड है, ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, अपने रिसोर्सेज अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो ये कंप्यूटर के हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स में, आपको पता है CPU के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास है CU कंट्रोल यूनिट और दूसरा हमारे पास है ALU। ठीक है, CPU के अंदर हमारे पास CPU के दो कैटेगरीज हैं, एक है CU एक है ALU। तो अब कंप्यूटर के अंदर जो इसके आर्किटेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग CU को डिस्कस करते हैं। CU हमारे पास क्या होता है, CU हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। हमारे पास कंप्यूटर में CU क्या होता है, CU कंट्रोल यूनिट होता है। इसको क्या कहा जाता है, इट एक्ट लाइक एन सुपरवाइजर। ये कंप्यूटर के अंदर सुपरवाइजर के तौर पे एक्ट करता है। सुपरवाइजर का क्या काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं उन एक्टिविटीज को सुपरवाइज करे। क्या करते हैं सुपरवाइजर, सुपरवाइज द एक्टिविटीज आर ऑपरेशंस। ठीक है, इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, जितने भी ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, उसको सुपरवाइज करे। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे पास तीन यानी कि इम्पॉर्टेंट काम करता है, वो कौन से हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो डाटा होता है उसको फैच करता है। ठीक है, फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, इंस्ट्रक्शन को असेस करता है। ठीक है, मेन मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को लेके आता है, फिर क्या करता है, देखता है कि इंस्ट्रक्शन के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर फाइंड करता है, फाइंड आउट
which operation is performed? कि हमने इंस्ट्रक्शन से रिक्वायर्ड रिजल्ट लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. उसके बाद कंप्यूटर में क्या करता है, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन. इन शॉर्ट हमारा सीयू क्या है, हमारा सीयू एक सुपरवाइजर है, ठीक है. वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन सबको सुपरवाइज करता है. ये इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है मेन मेमोरी से, उसके बाद देखता है कि इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है. और एट द एंड वो जो हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है. तो ये हमारा किसका काम है, ये हमारे सीयू का काम है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ALU जो कि पार्ट है CPU का, अब उसको डिस्कस करते हैं. जी अगला पार्ट हमारे पास क्या है, ALU. अब ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ALU के में क्या होता है, कंप्यूटर की एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है. हम लोग, ये हमारे पास पार्ट ऑफ CPU होता है, इसमें एक्चुअल एग्जीक्यूशन टेक प्लेस. टेक प्लेस इन ALU. ALU के अंदर हमारे पास एक्चुअल एग्जीक्यूशन हमारी टेक प्लेस होती है. ALU फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ALU फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द वन इज एन AU एंड सेकेंड वन इज एन LU. अब AU हमारे पास क्या है, AU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक यूनिट. एंड LU स्टैंड्स फॉर लॉजिक यूनिट. AU में क्या देखा जाता है, AU में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे जाते हैं, ठीक है. अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. फोर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ये फोर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं. वो कहाँ किए जाते हैं, AU में अरिथमेटिक यूनिट में. उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है LU. LU में क्या किया जाता है, लॉजिकल यूनिट अप्लाई किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है टू वैल्यूज को, कंपेयर टू वैल्यूज. इसमें हम लोग क्या देखते हैं, लाइक ए greater than b, a less than b, a is equals to b, a is not equals to b. तो हम लोग दो values को compare करते हैं, दो या दो से ज़्यादा values को. तो उसमें क्या देखा जाता है, उसमें देखा जाता है कि value greater than है, less than है, equals है, is not equal. तो ये logical operations perform किए जाते हैं data के ऊपर, किस में, LU में, logical unit में. तो ये हमारे पास CPU का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमारे पास दो पार्ट्स थे CPU के, CU एंड ALU. तो हमने इधर देख लिया कि ALU क्या है, ALU एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, द वन इज एन AU एंड द सेकंड वन इज एन LU. तो ये हमारे पास कंप्यूटर के पार्ट था, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का. अब ये हो गया. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अपनी मेन मेमोरी को डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब मेन मेमोरी में हमारे पास क्या आया, अब उसको देखते हैं, ठीक है. अब सेकंड टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में क्या किया जाता है, मेन मेमोरी कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं
टू स्टोर प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर के अंदर हम लोग प्रोग्राम्स को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं. किस पे करवाते हैं? मेन मेमोरी में करवाते हैं, ठीक है, जिसमें ठीक है कि प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल हमारे ना एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही है, ठीक है, मैं प्रोग्राम को रन करवा रही हूँ कंप्यूटर के अंदर. तो एग्जीक्यूशन के दौरान में जब हमारा प्रोग्राम सेव हो रहा था, वो मेन मेमोरी में सेव हो रहा था, टू स्टोर द प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में जिस प्रोग्राम को जिस जगह पे स्टोर करवाया जाता है उस जगह को कहा जाता है मेन मेमोरी, ठीक है. ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें तब तक प्रोग्राम को स्टोर करवाया जाता है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन चल रही होती है. जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, उसको मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि मेन मेमोरी का, कि कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में प्रोग्राम को या इंफॉर्मेशन को जिस जगह पर स्टोर करवाया जाता है, जिस मेमोरी में स्टोर करवाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मेन मेमोरी कहा जाता है. इसको हम लोग वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. मेन मेमोरी को वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, मेन मेमोरी को वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. तो ये हमारे पास मेन मेमोरी. उसके बाद हमारा अगला पार्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस, उसको देखते हैं. आईओ डिवाइसेस में आई स्टैंड्स फॉर आईओ यूनिट, इसको कह लें आईओ डिवाइसेस कह लें. आई स्टैंड्स फॉर इनपुट स्लैश आउटपुट, ठीक है. अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें आईओ यूनिट क्या करता है हमारा? आईओ डिवाइसेस रहने दें, आईओ यूनिट कह रहे हैं इसको, कि आईओ यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है तमाम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को. आईओ यूनिट कंट्रोल द प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद द पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ इंटरनली या एक्सटर्नली डायरेक्टली अटैच्ड होती है. जैसे आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, उसमें आपके पास क्या क्या टर्म्स आ जाती हैं? उसमें आपके पास आ जाता है आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका प्रिंटर, स्कैनर. ये क्या है? ये सारी डिवाइसेस स्पीकर कंप्यूटर के साथ सीपीयू के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं. तो इन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है, जिसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है. तो आईओ यूनिट का क्या काम है? कि वो कंप्यूटर कंट्रोल करे प्रोसेसर का पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ इंटरकनेक्शन. तो पेरिफेरल डिवाइसेस में मेरी सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है. तो आईओ यूनिट जो होता है वो मेरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. उसके बाद थर्ड चीज़ देखें, लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, देखें ये क्या है. ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है विद द बसेस, ठीक है. डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है. तो ये सारा सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है. किसके साथ? बसेस के साथ. अब हमारे पास जो आर्किटेक्चर में लास्ट पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास है बस इंटरकनेक्शन. पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास? आ जाता है बस इंटर कनेक्शन. अब बस इंटर कनेक्शन में क्या होता है? बस इंटर कनेक्शन हमारे पास कंप्यूटर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. ये क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी मेमोरी है, उसको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करता है, कनेक्ट करता है, ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है. और इसमें देखें ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ यूनिट. These components have to be connected to transfer the data from one component to another component. The use of buses connected these components is known as bus interconnection.
बस इंटरकनेक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कंप्यूटर के हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उसकी मेन मेमोरी है, उसका प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो अपना, ताकि वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र कर सके फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर, फ्रॉम वन कंपोनेंट टू एन अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए हम लोग बसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बसेस आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है, फॉर कंपोनेंट इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जिसमें हम लोग बसेस के थ्रू तमाम सिस्टम्स को, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, इसको कहा जाता है बस इंटरकनेक्शन, ठीक है, कि बसेस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करवाएं, तो उसको कहा जाता है बस इंटरकनेक्शन। तो ये हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरलिंक्ड हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमने 5 पार्ट्स को डिस्कस किया। एक हमने किया CU को, ALU को, जो कि CPU का पार्ट है, उसके बाद मेमोरी को किया, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को किया, उसके बाद बसेस को डिस्कस किया। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हमारे पास लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।